सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रिक्शन। जल्दी से समझते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन टाइप ऑफ फोर्स व्हिच कम्स इनटू द प्ले व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव्स ओवर अनदर सरफेस, यानी कि व्हेनेवर वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस और टेंड्स टू मूव, देन अ फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर व्हिच विल ट्राई टू अपोज द रिलेटिव मोशन। वो सभी फोर्सेस जो रिलेटिव मोशन का अपोज करे, जो होने वाली हो उसका अपोज करे, उसको क्या बोल रहे हैं, या होते टाइम भी जो अपोज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन दैट फोर्स व्हिच कम्स इनटू द प्ले व्हेनेवर a body moves or tends to move, move करे या move करने वाली हो, moves or tends to move over a surface of another body. That force which comes into the play whenever a body moves or tends to move over a surface or another body and opposes their relative motion and acts in parallel direction to the contact surface. Such force is known as friction. ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पर लिख दी है कि वो ऐसा फोर्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब मूव करने वाला हो या मूव कर रहा हो तो उस टाइम पे जो फोर्स इस टाइम पर जनरेट होगा, पिक्चर में आ जाएगा और इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स इन पैरेलल डायरेक्शन टू द, देखो उसको यहाँ पे कैसे समझेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो बॉटम पार्ट है वो, यानी कि इसका जो फर्स्ट का बॉटम सरफेस है वो सेकंड की अपर सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो अब अगर इसको किसी भी फोर्स अप्लाई करके, अप्लाइड फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से ये इधर की तरफ मूव करने वाला है या मूव कर रहा है, तो जैसे ही मूव करने वाला होगा इसको ऐसी मोशन ना हो, इस मोशन का अपोज करने के लिए, इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए तुरंत एक फोर्स इसके रेस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाली हो, जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन, तो इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा ये वाला, जो इस मोशन का, इसकी इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट में होने वाली मोशन का अपोज करेगा। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको स्टेशनरी मान लो, मान लीजिए मूव इधर कर रहा हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, पीछे। तो आप ये सोचिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये किधर मूव कर रहा होता, इधर, तो इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स किधर आता, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये इसको पीछे नहीं जाने देता। अगर यहाँ पर सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए फ्रिक्शन इधर लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इधर की तरफ मूव नहीं कर सकता। तो हमेशा रेस्पेक्टिव फोर्सेज होते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्सेज, रिलेटिव मोशन में ही जनरेट होते हैं, कौन, फ्रिक्शन फोर्सेज। ठीक है, सो ये फ्रिक्शन फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, अगर फोर्स को चेंज कर दें हम तो फ्रिक्शन फोर्स भी पलटी मार जाता है। तो अगर मैंने अप्लाइड फोर्स इधर कर दिया फर्स्ट के लिए और इसकी मोशन इधर होने वाली है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स तुरंत चेंज होकर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। क्लियरली ये जो दो कॉन्टेक्ट सर्फेसिस हैं इसकी पैरेलल डायरेक्शन में ही लग रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है ये डेफिनेशन सभी को। सो अब यहाँ पर हम समझते हो, ये एग्जाम्पल से क्लियर हुई गया, अब हम समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है बेसिकली वो कंपोनेंट है किसका, कांटेक्ट फोर्स का।
है ना। तो फ्रिक्शन एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, एक हेडिंग लिख रहा हूं मैं, फ्रिक्शन एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अब यहां पर जब हम ये बात कर रहे हैं इस हेडिंग की, तो इसके अंदर दो चीजें हम समझेंगे कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। जनरली बहुत सी जगह पर कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलमोस्ट बहुत सी जगह पर सेम आ जाता है, लेकिन अभी इसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा और नॉर्मल फोर्स क्या होगा और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अगर बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें, यानी कि बहुत डीप में अगर हम बात करें, तो उस इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस होता है। किस किस में बोल रहा हूं मैं? नॉर्मल फोर्स में बोल रहा हूं एंड कॉन्टेक्ट फोर्स में बोल रहा हूं। कॉन्टेक्ट फोर्स मैक्सिमम सिचुएशंस के अंदर नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये है सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या कि जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट, ये मैंने बना दिए हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के जो बॉटम पोर्शन है उसके पार्टिकल्स, अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं वो समझ लीजिए कि इसके पार्टिकल्स, और ये किसके साथ कॉन्टेक्ट में होंगे, लोअर से सेकेंड बॉडी की अपर सरफेस के पार्टिकल्स के साथ कॉन्टेक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही ये स्लाइड होना चाहेगा, अब समझिएगा इसको थोड़ी सी 3D के अंदर, कि ये दो अभी यहां पर ये रखे हुए दो पार्टिकल, अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाला आगे बढ़ना चाहेगा तो ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में आगे खींचेगा, लेकिन ये दोनों अभी एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं। बॉन्ड क्यों बन जाते हैं? कोहेसिव फोर्सेस के कारण या एडहेसिव फोर्सेस के कारण, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ मटेरियल इट इज। तो कोहेसिव क्या होता है, एडहेसिव क्या होता है, उसको भी आता हूं समझ लीजिए, वैसे केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिर भी कोहेसिव का मतलब इफ द बोथ टाइप ऑफ मटेरियल इज सेम, है ना, दोनों वुड है या दोनों आयरन ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी सेम मटीरियल्स के पार्टिकल्स के बीच में या एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम क्या, एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, वो सेकेंड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक वुड है, एक आयरन है, या एक वुड है, एक पेपर है, कुछ भी, तो ये एडहेसिव फोर्स कहलाएंगे, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा लगेंगे, दैट इज कंपल्सरी, कि जो भी फोर्स होगा फोर्स लगेगा, चाहे वो कोहेसिव हो चाहे वो एडहेसिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये मान लीजिए बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यानी कि अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब जैसे ये इससे आगे जाएगा तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट का एक ऊपर वाले का पार्ट, ये ऊपर वाले का पार्टिकल, नीचे वाले का पार्टिकल, जैसे ही सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, ये ऐसे आया, इसको हमने आगे इसे फोर्स लगाया, ये इस पर पूरा फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे शिफ्ट होगा, तो अब ये इससे हटना चाहेगा तो, लेकिन इनके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के कारण होगा क्या, ये नीचे वाला इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, और न्यूटन्स लॉ, अगर इसने अभी सिस्टम के अंदर दोनों पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस हुए, तो अभी ये वाला ये सेकेंड के कारण है, ये फर्स्ट के कारण है, फर्स्ट वाले पर फोर्स लगा सेकेंड वाले की तरफ, सेकेंड वाले ने लगाया फर्स्ट पर, है ना, आप इसको चाहो तो 1 और 2, तो ये जो मैंने नीचे वाला है फोर्स बनाया है, ये फोर्स ऑन 1 due to 2 ये बना दिया। तो वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि तो फर्स्ट भी सेकेंड पर उतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट विल अप्लाई द सेम फोर्स, तो ये यहां बना देता हूं ऑन सेकेंड, ये सेकेंड पर फोर्स लगा दिया फर्स्ट ने, सो दिस इज फोर्स ऑन 2 due to 1, बोथ शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो फोर्स कहला रहा है ये किसके बीच में लग रहा है, इनके कॉन्टेक्ट के बीच में, दिस इज कॉल्ड
कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इसमें यहां कॉन्टैक्ट फोर्स ये है, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहां पे जो भी फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये अट्रैक्टेड है और चिपके हुए हैं, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, अच्छा, तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या, जब हम बात करें कि इस तरह से अगर ये थोड़े से इनको अगर आगे की तरफ हल्का सा शिफ्ट कर दूं इस तरह से कि आगे चले गए, कब होगा क्या, जैसे हमने फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, सो ये जो फोर्स बना ये तो कहलाया एफ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड एफ कॉन्टैक्ट। भाई ढंग से समझना, बुक्स वगैरह के अंदर ढंग से एक्सप्लेनेशन आप समझ नहीं पाएंगे फिर, है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये क्यों लग रहा है, क्योंकि इस पर एक कोई एफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, सो एफ अप्लाइड लिख दिया मैंने, जैसे ही आगे गए ये से इस कॉन्टैक्ट फोर्स पे अट्रैक्शन, और ये भी एफ कॉन्टैक्ट ही कहलाया, एक एफ वन टू है और एक एफ टू वन है। ठीक, इसकी टेंडेंसी है, किसकी टेंडेंसी, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है आगे जाने की, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो जब भी हम रिलेटिव मोशन की बोल रहे हैं, हम किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड के रेस्पेक्ट में ये ऊपर वाला है ना, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है इधर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अगर मैं दो कॉम्पोनेंट कर लूं, तो एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा। फिर से देखें, यहां समझे, अगर मैंने कुछ उल्टा बोला हो तो देखें यहां से वापस समझे, F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किस पर फोर्स लग रहा है, वन पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है, वन पर फोर्स टू की वजह से। ठीक है, तो ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा, कौन नहीं आगे जाने दे रहा, टू वाला वन को आगे नहीं जाने दे रहा। अच्छा, कॉन्टेक्ट से हटने नहीं दे रहा, तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाऊं तो ध्यान से देखिए, ये फोर्स एक आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक आ रहा है पैरेलल टू द सरफेस, तो इस पैरेलल टू द सरफेस को ही बोल रहे हैं फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या कर रहा है, वन पर लग रहा है टू के कारण, वन पर फोर्स लग रहा है, वन पर फोर्स, तो ये भी एक तरह से वन पर ही फोर्स लग रहा है, इसी का कंपोनेंट है ना, अगर मैं सिंपली इसको टू हटा दूं तो ये एफ वन फोर्स है ना, किस पर लग रहा है, ऑन द फोर्स, वन पर फोर्स इधर लगा और वन का एक कंपोनेंट इधर है, तो इसको मैं एफ वन बोल दूं, स्मॉल एफ वन, तो ये एफ वन का काम क्या है, वन ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स लगाना, वन ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर है, आगे जाने की, इस वाले एफ वन की टेंडेंसी क्या है, उस वन ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आने की, वन ऑब्जेक्ट जाना चाहता है इधर, इस पर टू के कारण जो फोर्स लगा वन पर, उसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, तो इसी फोर्स को बोल रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, एक कंपोनेंट यहां पर आया, ठीक है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रुक रहा है, तो ये फर्स्ट वाले के लिए फ्रिक्शन फोर्स का काम कर रहा है। ठीक, और ये जो नीचे आया है इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कैपिटल एन। तो नॉर्मल फोर्स, व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स कहलाता है। अगर एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा हो, तो ध्यान से देखो, यहां पर यह कॉन्टैक्ट फोर्स यहां आएगा, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स यहां आएगा, तो ये एफ कॉन्टैक्ट और एफ कॉन्टैक्ट, इस टाइम पे नॉर्मल फोर्स भी यही हो जाएगा, इसमें नॉर्मल फोर्स यही हो जाएगा, लेकिन जब सिचुएशन इस तरह से थोड़ी ऑब्लिक है, तो इसमें ये तो है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी है कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ये वाले कहलाते हैं नॉर्मल फोर्सेस, और इनके पैरेलल कॉम्पोनेंट यानी ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ये कहलाते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस। अब इसमें से पहचान कैसे रहे हम कि कौन किसका फ्रिक्शन फोर्स है, तो थोड़ा लॉजिक लगा करके कि ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, वन को
वन के ऊपर लग रहा है, वन को जो भी ये आगे बढ़ने से रोक रहा है किसके कारण, इस वाले के कारण। तो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज विल बी फॉर दिस वन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट पार्टिकल। इसी तरह से ये कॉन्टेक्ट फोर्स जो ऊपर लगा वो किस पर लग रहा है, इस नीचे वाले पार्टिकल पर, टू पर लग रहा है। सो ये F2 है, कैपिटल F2 बोल दिया कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट N2 इधर हो गया जो परपेंडिकुलर हो चुका है यहाँ पे वर्टिकली, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस हो गया। ये जो पैरेलल टू द सरफेस है ये फ्रिक्शन फोर्स है, और क्योंकि ये टू पर लग रहा था इसलिए F2 बोल दिया, टू पर लग रहा है वन के कारण। सो टू पर फोर्स लगा तो टू पर एक कंपोनेंट इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड ऑब्जेक्ट को इधर जाने से रुक रहा है। F2 का काम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, जिस भी डायरेक्शन में सेकंड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन हो रही होती है इसके अपोजिट में लग रहा है। खुद सोचो, सेकंड ऑब्जेक्ट ये अगर फर्स्ट आगे जा रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड किधर जा रहा है, पीछे। तो इसकी मोशन इधर होने वाली है सेकंड ऑब्जेक्ट नीचे वाले की, उसको अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स काम में आ गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक कंपोनेंट है कॉन्टेक्ट फोर्स का, और नॉर्मल फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स का ही वन ऑफ द कंपोनेंट है। दीज आर कॉल्ड द नॉर्मल फोर्सेस एंड कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है, कितनों को ढंग से समझ में आया। सो अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि हम इस टॉपिक का मीनिंग क्या था, कि हम क्यों बोलते हैं कि फ्रिक्शन एक तरह का क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स का ही कॉम्पोनेंट है, और नॉर्मल फोर्स भी आपको अब समझ में आ गया यहां से। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। जनरली क्योंकि बस डेफिनेशन पढ़ी काम खत्म हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें बिल्कुल डीप में जब पढ़ ले तो फिर वो आपके अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो देखिएगा कि ओरिजिन कैसे हुआ फ्रिक्शन फोर्स का, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का ओरिजिन की बात करते हैं। अब यहां पे दो थ्योरी है, एक है, बोली जाती है क्लासिकल थ्योरी और एक बोली जाती है मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं ना, ये इस वजह से होते हैं कि जब आप इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो तो कोई सी भी सरफेस प्रॉपरली स्मूथ नहीं होती, उनके अंदर डिप्रेशन होते हैं, यानी कि गड्ढे बने हुए होते हैं, रफ सरफेसेस होती है ये ऐसी। तो अगर आप वुडन टेबल को देखो, कोई सी भी टेबल को देखो, वो परफेक्टली दिख रही है हमें, फ्लैट दिख रही है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कहीं पे उसके अंदर थोड़े ऐसे गड्ढे इस टाइप की चीजें दिखेगी। अब इस फर्स्ट सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस को जब सेकेंड सरफेस पे रखा हमने, इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, अब जैसे ही इसको थोड़ा सा धक्का दिया, माइंड में विजुलाइज करना क्या सिचुएशन होने वाली, छोटा सा डायग्राम लेकर के समझ रहे। इन ये एक दूसरे के गड्ढे में फिट हो गए। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूं तो होगा क्या, इनकी हो गई इंटरलॉकिंग, एक दूसरे के गड्ढों में फंस गए। जैसे व्हील गड्ढे के अंदर चला जाता है, फंस जाता है, तो उससे बाहर निकलने में काफी टाइम लगता है, काफी फोर्स लगाना पड़ता है हमें। तो वही चीज है यहाँ पे, तो ये जो इंटरलॉकिंग हुई यही रोल प्ले कर रही है फ्रिक्शन का अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। दीज डिप्रेशंस थ्रू विच इफ द ऑब्जेक्ट इज बींग सप्लाइड सम फोर्स एफ, एंड इफ द फोर्स इज रिमूव, देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम बिकॉज ऑफ दीज इंटरलॉकिंग द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन टाइम, एंड हेंस वी कैन से द इंटरलॉकिंग ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट रिलेटिवली प्रोड्यूसेज अ फ्रिक्शन फोर्स which opposes the relative motion of them. कि ये नीचे वाले की interlocking इसको पीछे नहीं जाने दे रही, और ऊपर वाले की interlocking इसके साथ इसको आगे नहीं जाने दे रही। this was the friction force according to classical theory.
लेकिन जब बाद में और स्टडी की गई तो फिर आई मॉडर्न थ्योरी ऑफ फिजिक्स. उन्होंने क्या बोला कि नहीं, इंटरलॉकिंग आपका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा मतलब इसके बेस पे समझा रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट द वे. ये आपको एक तरह का लॉजिक मतलब जो आपको दिख रहा है उसके बेस पर आप केवल एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी कि यू आर जस्ट सेइंग द हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट विच यू आर जस्ट सीइंग इट. लेकिन इन एक्चुअल द मेन रीजन ऑफ फ्रिक्शन इज द बॉन्डिंग बिटवीन द corresponding particles or corresponding atoms or molecules of one surface with the another surface during the contact. होगा क्या, अब ध्यान से देखें, ये यहाँ पे इसके साथ contact में, ये इसके साथ यहाँ contact में, ये दोनों contact में नहीं है, ये contact में हो गया, ये contact में हो गया, ये contact में हो गया, है ना. मान लीजिए ये इस तरह से ये contact में हो गया, ये contact में हो गया, ठीक है, कुछ एक दो नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं. तो जब हम रेगुलर फिगर देखते हैं तो उसमें तो ऐसा नजर आता है हमें कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की सरफेस पे रखा हुआ है. ये देखिए, तो इसका ये पूरा हिस्सा ही, आपको तो ऐसा लग रहा है कि पूरा हिस्सा ही इसके इतने ही हिस्से के साथ पूरा का पूरा कांटेक्ट में है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? नहीं. जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो यही पॉइंट्स एक्चुअल कांटेक्ट में है. तो इस वजह से इस एरिया को जो आपको दिख रहा है कि लग ऐसा रहा है कि ये इतना हिस्सा, इस ये पूरा एरिया नीचे वाले उतने ही एरिया के साथ कांटेक्ट में है, जो कि एक्चुअल में नहीं है. क्लियरली दिख रहा है कितना हिस्सा कांटेक्ट में, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तो कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला है, ये वाला है, सिर्फ ये वाले, ये बीच वाले तो कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, ये बीच वाले तो कॉन्टेक्ट में नहीं है. इसलिए इसको बोल दिया गया अपेरेंट एरिया, जो लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं. तो एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया क्या है? These are the actual contact areas. ये इतना ही हिस्सा actual area of contact कहलाता है. Actual area of contact. ठीक. फिर से इसको 3D के अंदर समझे हम. तो 3D के अंदर देखो कि ये डायग्राम कैसा दिख रहा होगा. ये बना दी मैंने अपर बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी ऊपर वाली, उसकी बॉटम सरफेस के मॉलिक्यूल्स. ठीक है. और ये बना दी मैंने दूसरी सेकेंड ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स. मान लीजिए मैंने सबको पूरों को ही एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में ला दिया. लेकिन ध्यान से देखें तो इसके बीच में ये वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा जो अभी मैं वाइट कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो इस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच में बच गया, ये वाला हिस्सा, ये खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये खाली पड़ा हुआ है, ये सब खाली पड़े हुए. तो आप तो पूरे एरिया इसको काम में ले रहे थे, एक तरह से रेक्टेंगुलर एरिया पूरा काम में ले रहे थे. लेकिन ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो कॉन्टेक्ट में ही नहीं. तो जो एरिया आपने टोटल निकाला, मान लीजिए इसको अगर मैं बोल दूं 10 मीटर और इसको बोल दूं 2 मीटर, तो आपके हिसाब से आप बोलते हैं कि भाई टोटल कितना एरिया कांटेक्ट में है, तो आंसर बोलते हैं कि 10 by 2, 10 into 2, 20 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है. लेकिन ध्यान से देखें, इसमें जो एरिया एक्चुअल में कॉन्टेक्ट नहीं है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा. तो वो जैसे ही माइनस करोगे आप, वो एक्चुअल में 20 से कम ही आएगा. So, वो है एक्चुअल एरिया जहां जहां पे जॉइंट है. अब हुआ क्या, इस फिगर को देखें तो कम एरिया एक्चुअल में कॉन्टेक्ट पर है लार्ज सरफेस पर. तो आप लोगों ने ग्रेड 9-10 के अंदर पढ़ा था कि जब लार्ज सरफेस एरिया पर फोर्स ज्यादा लगे. अब फोर्स क्यों ज्यादा लग रहा होगा,
ये ऑब्जेक्ट का पूरा मास m है, तो भले ही इसका हो नहीं हो, ये पूरा m मास का वेट किनके थ्रू डिलीवर हो रहा है नीचे, इस फर्स्ट के कारण, इसके कारण जहां जहां एक्चुअल कॉन्टेक्ट दिख रहा है वहीं से वेट नीचे वाले पर डिलीवर हो रहा है, और जो कॉन्टेक्ट में ही नहीं है वो तो डिलीवर कर नहीं सकते। इसका मतलब लार्ज सरफेस एरिया पर, मतलब प्रेशर अगर बात करूं तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्चुअल एरिया की अगर मैं बात करूं, इसमें तो दिख ही रहा है कि लार्ज एरिया, एक्चुअल एरिया कम है। एक्चुअल एरिया अगर कम हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो प्रेशर विल इंक्रीज। इसका मतलब कम सरफेस के कारण, कम एरियाज के कारण नीचे वाले पे प्रेशर ज्यादा लग गया। जैसे ज्यादा लगेगा, ये इन दो, और इनकी प्रॉपर्टी होती भी है एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की, तो जल्दी से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, जल्दी से बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। सो लार्ज प्रेशर विल बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ लेस एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया रादर देन मोर अपेरेंट एरिया, एंड हेंस बिकॉज ऑफ लेस एक्चुअल एरिया मोर प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन द बिलो सरफेस। क्विकली द बॉन्ड्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल बी फॉर्म ऑफ बोथ द बॉडीज, दोनों के बन गए। अब वो कोहेसिव है एडहेसिव है उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे, जिस भी मटेरियल के हैं उसकी बात कर, ठीक है, ये बन गए साथ। अब इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे बेसिकली इनको ब्रेक करना है, किनको ब्रेक करना है, इनके जो बॉन्ड्स बन चुके हैं उनको ब्रेक करना है, ठीक है। चलो, तो अब अगर मुझे इसको मूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड्स को, जो बॉन्ड्स बन चुके हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उनको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना पड़ेगा तो मुझे लार्ज फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये जो बॉन्ड के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वही हमें क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, नेसेसरी फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई रबर बैंड जो चोटी वाला रबर होता है, या जो पेपर वगैरह पे कहीं पे फोल्ड करके उसके ऊपर रबर बैंड लगा देते हैं, उसको आप कहीं पे भी ज्योमेट्री बॉक्स में रख दो, या नॉर्मल इरेजर है उसको कहीं पे रख दो काफी लॉन्ग टाइम के लिए, वो सरफेस पे चिपक जाता है। उसका रीजन, ज्यादा टाइम के लिए कोई चीज एक दूसरे एक सरफेस के साथ ओवरलैप करती जाएगी तो वो बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। जब आप इनको, उसको ऊपर वाली सरफेस को उठाओगे तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो, जो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगर आपने देखा होगा कि रबर बैंड को हटाते हैं तो एक लेयर, पूरी की पूरी लेयर नीचे ही रह जाती है सरफेस पर। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन। सो वॉट इज फ्रिक्शन, बेसिकली द बॉन्ड फॉर्मेशन है ना बिटवीन द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स ऑफ सर्फेसिस provides the necessary friction during the relative motion. जैसे मैं इसको आगे force applied करूंगा, मुझे इस bond को break करना पड़ेगा। अब होगा क्या? जैसे ये bond break हुआ और ये shift होकर के आगे आया, तो ये हिस्सा ऐसे हो गया, तो ये दूसरे के साथ contact में आएगा। तो जैसे जैसे ये आगे आते जाएंगे, ये एक bond टूटेगा, ये हिस्सा second वाला कहीं आगे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, कहीं ना कहीं ये आगे चले भी जाएंगे ऐसे, तो किसी ना किसी के साथ हमेशा क्या बनाना चालू कर देंगे। जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे, फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको वैन डेर वाल फोर्स भी बोलते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसकी वजह से तुरंत बॉन्ड बनाना चालू कर देते हैं। आगे बढ़े बॉन्ड बनना चालू। उसकी वजह से क्या होगा, आपने धक्का देकर अगर छोड़ दिया किसी टॉय को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो बॉन्ड बन रहे वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, उसकी स्पीड को कम करते जा रहे हैं। जैसे ही बॉन्ड बनेगा मतलब वो आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा, लेकिन आपने फोर्स इतना दे दिया था कि अभी वो बॉन्ड जो बन रहे थे उनको बनने में इतना टाइम मिल नहीं रहा, लेकिन वो हर पॉइंट पे, शुरू में मान लीजिए आपने फोर्स लगाया उससे मिली 10 मीटर पर सेकंड, अब 10 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, बॉन्ड बनते उतने में वो आगे चला गया, लेकिन बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड को 0.1 मीटर पर सेकंड डिक्रीज कर दिया, यानी कि स्पीड 9.9 मीटर पर सेकंड रह गई। अब वो 9.9 मीटर पर सेकंड से जैसे आगे बढ़ा, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से बॉन्ड बनना चालू हुए, लेकिन टूट गए फिर से 1 सेकंड के अंदर, और उसने लेकिन उस टूटने के दौरान ही उसकी स्पीड और डिक्रीज कर दिया, 9.8 9.7, धीरे धीरे होता होता क्या जाएगा, जब तक वो आगे बढ़ता जा रहा है बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, तो इनको रिलेटिवली ज्यादा टाइम मिल रहा है बॉन्ड फॉर्म करने का। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि स्पीड इतनी कम हो चुकी होगी उसके कंपैरिजन में,
जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, अब वो और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। तो एक जल्दी से वो पर्टिकुलर शुरू में बहुत तेजी से गया और आगे जाकर के रुक गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट इज द मेन ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस? द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ टू सर्फेसिस वेयर द रिलेटिव मोशन इज अकरिंग। ठीक है, इस सिचुएशन को बोलते हैं फ्रिक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो इनका ये अट्रैक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग, क्योंकि एक तरह से वेल्डिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कोल्ड वेल्डिंग। सो दैट्स हाउ द फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट कम इन टू द पिक्चर। हाउ मेनी इफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली?